समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। की एनालिसिस यूजबी एनालिसिस की वीडियो, अगर आपने मेरी वीडियो एग्जाम के आधे घंटे पहले भी देखी थी या एक घंटे पहले, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं आप पास तो पक्का हो गए होगे, ठीक है? क्योंकि इतनी रिफाइन वे में मैंने समझाने की कोशिश की थी, अब आपको समझ में ना आया हो तो मैं आगे से और अच्छा ट्राई करूंगा। फिलहाल के लिए मैं कहना चाहता हूं, देखो एनालिसिस कर लेते हैं, मेरे पास पेपर आ गया है, देख लो। पहला क्वेश्चन नहीं बताया था, बट बताया था, ठीक है, बताया था इसमें, क्योंकि मैंने जब देखा तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। फोर डायमेंशंस, और मैंने बताया था क्या, न्यूज वाले लव टीआरपी, नॉन वायलेंस लव ट्रुथ, राइट कंडक्ट और पीस, तो इसका आंसर ये था, ठीक है? अब देख लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्किंग ऑफ एक्सीलेंस एंड वर्किंग फॉर कॉम्पिटिशन, ये मैंने नहीं बताया था, हालांकि अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाते तो ये कर लेते, ठीक है? लिस्ट द फोर ऑर्डर्स ऑफ नेचर, ऑलरेडी बता दिया था मैंने, लॉन्ग में बताया था और लॉन्ग में भी आया, ठीक है? तो ये भी आपका क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, यूटिलिटी वैल्यू और आर्टिस्टिक वैल्यू क्या होती है, बट अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा तो यूटिलिटी वैल्यू होती है आपकी मटेरियल ऑर्डर और आर्टिस्टिक वैल्यू होती है ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन ऑर्डर। तो ये हो गया। फिर डिफाइन प्रॉस्पेरिटी, मैंने आपको ये बता दिया था। प्री कंडीशनिंग क्या होती है अच्छे से समझाया था, विथ एग्जांपल समझाया था, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्शियस यूनिट एंड मटेरियल यूनिट, पूरा क्लियर करा था आपको, ठीक है। अब सेक्शन बी में आ जाओ, लॉन्ग में देख लो। इमेजिनेशन के बारे में बताया था मैंने, मेन क्या होता है, इमेजिनेशन होता क्या है, ठीक है, थॉट्स प्लस बिहेवियर ऐसे करके था, तो मैंने आपको समझाया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप इसे कर ले गए होगे। प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, 100% दे दिया इस क्वेश्चन पे, और अगर आपने ध्यान से देखी होगी वीडियो तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लोरी ग्रेटिट्यूड, ये नहीं बताया था, आया है, ठीक है। एक्सप्लेन द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनेटनेस ऑफ ऑल द फोर ऑर्डर्स विद एग्जांपल। इनेटनेस, मैंने इनेटनेस आपको समझाई थी, फोर ऑर्डर भी आपको समझाया था, आपको लिंक बनाना था, इनेटनेस क्या होती है, फोर ऑर्डर क्या होता है, फोर ऑर्डर में जो डायग्राम बताया था इनेटनेस यहां लगाना था, दोनों को मिला के अगर चाहते तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाते, अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं। लास्ट वाला देख लो, एक्सप्लेन कंप्लीट मीनिंग ऑफ फिजिकल ह्यूमन कंडक्ट एज डिस्कस्ड इन द कोर्स, भाई पांचवी यूनिट से बताया था, पांच ही क्वेश्चन बताए थे पांचवी यूनिट से, जिनमें से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब देख लो सेक्शन सी पे आ जाओ, सेक्शन सी पे पहला क्वेश्चन पूरा पूरा मैंने फंसा दिया, ठीक है। बेसिक गाइडलाइंस, मैंने कहा था वैल्यू एजुकेशन पढ़ के जाना और आया है, ठीक है। आप देख लो दूसरा भी क्वेश्चन क्या है, वैल्यू क्या होते हैं, लिस्ट यूनिवर्सल वैल्यूज एट फोर लेवल्स, ये भी क्वेश्चन बताया था, हालांकि एक ही करना था इसलिए कोई भी मान लो 10 ही नंबर है, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, क्या होता है सेल्फ रेगुलेशन, अगर ध्यान से वीडियो देखोगे तो समझाया था। एंड डिस्क्राइब द प्रोग्राम्स इन लिविंग बेस्ड ऑन सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं, अगर मान लो अगर नहीं भी देखा इसको सही से तो ये बताया था। डिस्टिंग्विश बिटवीन नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी विथ एग्जांपल्स, पूरा क्लियर किया था, बॉक्स बना बना के बताया था, ठीक है। फिर देख लो, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटिशन विद टू एग्जांपल्स, नहीं बताया था। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ रॉन्ग इवैल्यूएशन इन रिलेशनशिप विद एग्जांपल, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने ये चीजें रिलेशनशिप वाले में यूनिट 3 क्वांटम से समझाया था, ठीक है, तो ये आया है, ठीक। अब देखो, डिस्कस द डायमेंशन ऑफ प्रोडक्शन एंड वर्क, ये मैंने नहीं बताया था, हालांकि हारमोनी मैंने बताया था। फिर ड्रॉ द कंप्लीट चार्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस शोइंग को एग्जिस्टेंस इन द एग्जिस्टेंस एंड द फोर ऑर्डर्स ऑफ नेचर, बताया था, एक्सप्लेन किया था अच्छे से हर चीज ना, अगर वीडियो मेरी 10 मिनट पहले भी देखे होगे ना एग्जाम के, पूरा लिख के आए होगे उसे, ठीक है। फिर देख लो, डिस्कस सम प्रिवेलिंग अप्रोचेस टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, भाई प्रोफेशनल एथिक्स पूरा समझाया था, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसे कर ले जाते, ठीक है। व्हाट आर सैलिएंट फीचर्स कैरेक्टराइजिंग प्रोफेशनल एथिक्स, डिस्कस विद अ फ्यू एग्जांपल, प्रोफेशनल एथिक्स समझा के भेजा था, अगर करके आए हो तो अच्छी बात। अब चलो अपडेट पे आते हैं, ठीक है। देखो मैंने ओवरऑल मैं बस बताऊं तो 70 नंबर का आपका पेपर था, हालांकि बाद में 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में जो यूनिवर्सिटी वाले हैं AKTU वाले वो इसको कन्वर्ट करेंगे 100 में और आपको नंबर देंगे, ठीक है। और रही बात यार, आप लोगों ने पूछा था कि लिखना कैसे, तो उसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाने वाला था बट मैं लेट हो गया और आप लोगों को, चलो कोई बात नहीं, आगे से पूरा ध्यान रखूंगा। अब बात करते हैं आपके अपडेट्स की, ठीक है। देखो अपडेट्स में DSTL आप लोग बोल रहे हो कि DSTL की वीडियो बना दो, बट यार DSTL का वीडियो मैं एक्सप्लेनेशन वाला नहीं बना सकता, वो वाली वीडियो है, और जिस भी चीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये बता दो। और दूसरी चीज, थर्मोडायनेमिक्स का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगा, हो सकता है यूनिट 1 और यूनिट 2 आज ही आ जाए, वरना कल 12 बजे तक आपको पांचों यूनिट के फुल्ली एक्सप्लेन वीडियो मिलेंगे। एंड लिसन, जितना एक्सप्लेन करूं एकदम अच्छे से, लाइटली मत लेना, बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, ठीक है, अच्छे से करके आओगे पेपर। और पेपर जिसने भी नहीं छोड़ा है, देखो सबसे बड़ी बात है, अगर आप पेपर देने गए थे और आपने कुछ नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, बट अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं आप पास,
ठीक है, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें ना यार जो तुम लोग के लिए बाएं हाथ का खेल है, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं, बात तो कर ली यार, बहुत बात कर ली, बहुत बोलता हूँ ना मैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अगर आपका जितना मैंने बताया था उतना आया था तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट ये बताओ कि हाँ आया था। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लव यू ऑल। अगली वीडियो थर्मोडायनेमिक्स की आ रही, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, अब तो शेयर कर दो, लव यू ऑल।